शौर्य भारत पर मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम विपक्षी दलों का बैठक 23 तारीख को होने को था। आज 23 तारीख है, तमाम विपक्षी दल पटना पहुंच चुके हैं और एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने जो प्रिय लोकप्रिय जो नेता है राहुल गांधी जो हैं वो इसी सड़कों से निकलेंगे। नेहरू पथ से निकल के वो सदाकत आश्रम पहले जाएंगे, उसके बाद बैठक में शामिल होंगे। तो तमाम कार्यकर्ता 32 पॉइंट बनाए गए हैं और यहां से तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत की तैयारी की जाएगी। चूंकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो उसके बाद पहली बार बिहार की इस पावन भूमि पर वो पहुँच रहे हैं और यहाँ से वो एक नया शंखनाद करेंगे और शंखनाद यही होगा कि 2024 में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इन तमाम बैठकों से क्या निकल के सामने आता है ये बैठक के बाद ही पता चलेगा। पर लेकिन तमाम जो भी विपक्षी दल है, जैसे कि महुआ मुक्ति भी आप पहुंची है पटना, उद्धव ठाकरे आ गए हैं, शरद पवार आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, ममता बनर्जी आ चुकी हैं और तमाम 17 से ज़्यादा पार्टी के लोग यहाँ आ चुके हैं। अब देखना होगा कि 23 तारीख को क्या कुछ निकल के सामने आता है। अपने सहयोगी के साथ में अमित खत्री, शौर्य भारत न्यूज पटना। बात यह है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने पैदल चलने का काम किया, उस यात्रा के समाप्ति के बाद पहली बार बिहार की धरती पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन होने जा रहा है। साथ ही उनके साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री श्री केसी वेणुगोपाल जी सब साथ आ रहे हैं। ये हम सभी कांग्रेसियों के लिए बड़े गर्व की बात है और हम अपने नेता के स्वागत अभिनंदन के लिए पटना के सब तमाम सड़क गली चौक चौराहे सदाकत आश्रम से लेकर के एयरपोर्ट पर हर जगह पे चप्पे चप्पे पे कांग्रेसी जन उनके स्वागत अभिनंदन की तैयारी में लगे हुए हैं। बैठक क्या सफल हो गया जो आज बैठक? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है महागठबंधन की तरफ से विपक्षी एकता का भी जो है आज बैठक आयोजित किया गया है, जो एक अन्य मार्ग पे 11:30 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें 18 विपक्षी पार्टियां एक साथ शिरकत कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आज कुछ नया होने वाला है, विपक्षी एकता मजबूत होगा और भाजपा का 2024 में भाजपा का केंद्र से सफाया हो जाएगा। बयान आया है कि ये लोग हैं, इस तरह का बयान आया है, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए, सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो ये बात तो पहले भाजपा पे लागू होती है, भ्रष्टाचारियों की समूह जो है वो भाजपा की सरकार है। आज हमारे यहाँ जीतन राम मांझी जी थे, वो भाजपा को छोड़ करके जो है जदयू में आए थे और जदयू को छोड़ करके फिर भाजपा में गए, तो क्या जीतन राम मांझी जी भ्रष्टाचारी नहीं है? जब आप नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाते हैं तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी आपका साथ छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचारी का आप आरोप लगाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है अनूप कुमार, प्रदेश प्रवक्ता, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।